सो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी दो प्रोसेसर, आज हम कंपेयर करने वाले जी। दोनों प्रोसेसर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और दोनों प्रोसेसर आपको मिड सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाती है या आपको हायर वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाती है। एक में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 जो कि कुछ दिन पहले क्वालकॉम ने अनाउंस किया था, और ये प्रोसेसर आपको फ्लैक्सिबल में आपको देखने को मिल जाती है। और एक का नाम है मीडियाटेक हेलियो p70 जो कि आपको मिड सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाती है, और ये प्रोसेसर आपको बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाती है। तो आज हम देखेंगे इन दोनों प्रोसेसर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा प्रोसेसर आपको बेटर देखने को मिलते हैं। तो आप अगर जानना चाहते हो इस बारे में तो आप इस वीडियो को शुरू से तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें दोनों प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत करते हैं। तो दोनों प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल जाती है। आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 के मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो ये आपको मिल जाती है 7 nm टेक्नोलॉजी में, और आपको मीडियाटेक हेलियो p70 आपको मिल जाती है 11 nm टेक्नोलॉजी में। तो दोनों में से आपको बहुत ही आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग में, आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 में। बात करूँ दोनों प्रोसेसर की मेन हाईलाइट की यानी कि सीपीयूज की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 में आपको टोटल आपको 8 कोर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से आपको 2 कोर आपको क्लॉक मिल जाते हैं कॉर्टेक्स A76 में 2.8 GHz में, और आपको 2 कोर आपको क्लॉक मिल जाते हैं कॉर्टेक्स A76 में 2.4 GHz में, और आपको 4 कोर आपको क्लॉक मिल जाते हैं कॉर्टेक्स A53 में 1.8 GHz में। बात करो मीडियाटेक हेलियो p70 के कोर की, इसमें आपको टोटल आपको 8 कोर ही आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से आपको 2 कोर आपको क्लॉक मिल जाते हैं कॉर्टेक्स A76 में 2.4 GHz में, और आपको 6 कोर आपको क्लॉक मिल जाते हैं कॉर्टेक्स A76 में 1.8 GHz में। तो दोनों में से आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 आपको स्टाइल आपको बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों प्रोसेसर की जीपीयूज के, तो दोनों का जीपीयू आपको बहुत ही आपको अंतर आपको देखने को मिल जाती है। आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको एड्रेनो के आपको 650 के आपको जीपीयू देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज आपको जीपीयू देखने को मिल जाते हैं। और आपको मीडियाटेक हेलियो p70 के जीपीयू की बात करूँ, इसमें आपको मलिजी का आपको 7.2 की आपको जीपीयू देखने को मिल जाती है MP6 टेक्नोलॉजी के साथ। तो दोनों में से आपको बहुत ही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाती है एडनो की जीपीयू, और एडनो की जीपीयू आपको बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि एडनो के जो जीपीयू होते हैं ये आपको गेमिंग के लिए आपको बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही पावर एफिशिएंसी होता है। तो इसलिए आपको एडनो की जीपीयू आपको स्टाइल आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों प्रोसेसर के रैम की टेक्नोलॉजी की, तो दोनों में आपको सेम ही आपको रैम की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। दोनों में आपको LPDDR4X की आपको रैम की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों प्रोसेसर की डिस्प्ले सपोर्ट की, तो वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 में आपको 4K तक का आपको डिस्प्ले सपोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, और आपको मीडियाटेक हेलियो p70 में आपको सिर्फ आपको फुल AG+ के आपको डिस्प्ले सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों प्रोसेसर की अंततः बेंचमार्क स्कोर की, तो दोनों का अंततः आपको लगभग आपको 2 लाख के आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल जाती है। आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का अंततः आपको लगभग आपको 4 लाख 50 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिल जाती है, और आपको मीडियाटेक हेलियो p70 के आपको अंततः आपको लगभग 2 लाख 50 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों प्रोसेसर की कैमरा सपोर्ट की, तो दोनों में आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट की बात करूँ तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 में ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट होगा, तो इसमें आपको 32 MP प्लस 24 MP प्लस 16 MP के आपको ट्रिपल रियर कैमरे का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है। डुअल रियर कैमरा होगा तो इसमें 48 MP प्लस 32 MP के आपको डुअल रियर कैमरे का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है। सिंगल रियर कैमरा होगा तो इसमें 48 MP तक का आपको सिंगल रियर कैमरे की सपोर्ट आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 में आपको देखने को मिल जाती है। बात करूँ मीडियाटेक हेलियो p70 की कैमरा सपोर्ट की, इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरे की सपोर्ट होगा तो इसमें आपको 32 MP प्लस आपको 24 MP प्लस 16 MP के आपको ट्रिपल रियर कैमरे के आपको सपोर्ट देखने को मिलती है। डुअल रियर कैमरा भी आपको 32 MP प्लस 24 MP के आपको डुअल रियर कैमरे के आपको सपोर्ट मिलते हैं। सिंगल की बात करूँ इसमें 48 MP तक का आपको सिंगल रियर कैमरे की सपोर्ट आपको मीडियाटेक हेलियो p70 में आपको देखने को मिल जाती है। दोनों में से आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 में आपको स्टाइल आपको बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों की AI की, तो दोनों का AI आपको बहुत ही आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 में आपको डेडिकेट आपको AI के आपको स्लॉट देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों प्रोसेसर में कौन सा आपको बेटर देखने को मिल जाती है, तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 को स्लाइडली आपको बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 आपको फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिल जाती है, और आपको मीडियाटेक के लिए p70 आपको मिड सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि दोनों प्रोसेसर में कौन सा आपको बेटर देखने को मिलते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए कौन सा प्रोसेसर आपको बेटर देखने को मिलते हैं, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 आपको बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, उसके बाद आपको मीडियाटेक के लिए p70 आपको
देखने मिलती है, लेकिन अगर प्राइस के साथ कंपेरिजन किया जाए तो मीडियाटेक हीलियो P70 आपको बेटर देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।